इस वक्त खबर हमारे पास आ रही है बुलढाणा जिले से। सौतेले पिता ने अपने 3 वर्ष के एक मासूम बच्चे को बेरहमी से यातनाएं दी है, जिसमें बच्चे के शरीर पर बाप ने मुंह से अपने 5 बार काटा हुआ है। सिर से लेकर पांव तक 47 मार के घाव इस बच्चे के शरीर पर पाए गए हैं। पड़ोसियों की सहायता और सजगता से बच्चे की जान बचाई गई है। जिला बाल संरक्षण ने इस बच्चे को अपने कब्जे में लिया हुआ है। बच्चे थोड़ी देर भी नजर से दूर हुए तो पिता की जान में जान नहीं होती। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों का जीवन अच्छा स्तर सुधरे, इस हेतु पिता अपना सब कुछ बच्चों के लिए दाव पर लगा लेता है। लेकिन यही एक घटना ऐसी है जिसमें शेगांव के एक पिता, जो कि पिता शब्द पर धब्बा है, इस पिता ने अपने इस मासूम 3 वर्षीय बच्चे के शरीर पर अपने मुंह से 5 मर्तबा दांत से काटा है और इस बच्चे के पूरे शरीर पर 47 घाव सिर से लेकर पांव तक बना दिए हैं। यह पूरे मामले को देखकर शेगांव पुलिस प्रशासन भी इस हैवानियत को देखकर दंग रह गई। शेगांव की पायल बागर यह महिला मूल निवासी यवतमाल जिले की है। पहले पति से इसे 3 वर्ष का एक बेटा है। 1 साल पहले ही पति ने इसे छोड़ दिया था और इसके बच्चे को पिता का आसरा मिले, इस हेतु पायल ने दूसरी शादी की। चेतन ढोक ऐसा इसके दूसरे पति का नाम है। शादी करते समय चेतन ने पायल को 3 वर्ष के बच्चे को मैं पिता का ही प्यार दूंगा और उसे अपना ही सगा बेटा समझूंगा, ऐसा वादा पायल से किया था। काम की तलाश में पायल और चेतन और 3 वर्षीय मासूम बेटे को लेकर यह शेगांव आ गए हैं। शेगांव में आकर एक होटल में वेटर की नौकरी करने का काम चेतन ने शुरू किया। शेगांव में आकर चेतन ने अपनी असली हैवानियत दिखानी शुरू कर दी। आए दिन वह अपने बेटे को किसी न किसी वजह से मारता, पीटता, यातनाएं देता और उसे रोज नई नई यातनाओं के साथ हैवानियत का क्रूर इस सौतेले पिता ने 3 वर्ष के इस मासूम बेटे को मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से कई बार जलाया है। जानवरों जैसे इस मासूम बच्चे को मुंह से इस पिता ने काटा है। बच्चे की आंख और कान भी इस हैवान पिता ने फोड़ डाली है। रोज के बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज से आजू बाजू के पड़ोसियों को शक हुआ कि बच्चे को बेरहमी से मारकर कमरे में बंद कर दिया गया है। इस बच्चे की जानकारी पड़ोसियों ने ही बाल सुधार अधिकारी को फोन पर जानकारी दी। फोन पर जानकारी मिलते ही अविनाश चौहान अपने दल के साथ शेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे। शेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर थानेदार ढाकने के दल के साथ यह ढोक के घर पहुंचे। घर में मासूम बच्चा दिखा। पुलिस और लोगों को देखकर बच्चा पुलिस की तरफ लपक लिया। बच्चे के शरीर पर बड़े बड़े घाव देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से किसी ने यातना दी है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। हेलो, काल परवाला आम्ही सुदामा नगरी जो मधून ते काही बरेचांचे सुनून मंगळ वगैरे ते कार्यकर्ते आले होते। त्यांनी सांगितलं की असं असं एक बाई आणि मूल आहे आणि ते बाईचं नवरा दुसरा आहे आणि मूल दुसऱ्या नवऱ्याचं। त्या मुलाला भरपूर मारहाण करत होते आणि एक त्याची पूर्ण प्रोसिजर आम्ही आम्हाला काल माधव गोलिप्ते आणि आमचे संरक्षण अधिकारी मार्कर साहेब यांच्या थ्रू तक्रार प्राप्त झाली की शेगावमध्ये सुधामनगरमध्ये असा असा एक आदित्य नावाचा मुलगा राहतो आणि त्या मुलावर आई आणि वडील, आई सखी आहे, वडील सावत आहे, त्यांच्याकडून त्यांचं छळ सुरू आहे अशी एक माहिती मिळाली आणि त्यामुळं आम्ही त्यांचा तक्रार प्राप्त होताच आज सकाळी शेगावमध्ये पोचलो आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि आईच्या जवळ असलेलं मूल आम्हाला पाता शिंगांच्या जवळ पळत आलं आणि ते आईजवळ थांबायला तयार नाही, तर किती छळ होतोय, म्हणजे अक्षर अंगावर काटे येतात अशा प्रकारचं ते वर्तणूक पाहून अंगावर आणि मला तुमचं सोबत यायचं आहे आणि मी त्या आईला आम्ही सोबत घेतलं आणि वडिलांनी शोध घेतला पण वडील मिळाले नाही। आता आईला घेऊन इथं पोलीस स्टेशनला आम्ही आलो आणि ठाणेदार साहेबांच्या संमतीनं आईनं सुद्धा आता संमतीपत्र आम्ही घेतलं आणि आता बाल जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या माध्यमातून आम्ही
वतीन जे अडॅप्टेशन सेंटर चालतं। बच्चा पुलिस दल को देखकर बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर देखने वाले पड़ोसी और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस प्रशासन ने माँ और बच्चे को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की। माँ ने बताया कि पिता दारू पीकर किसी भी बात को लेकर बच्चे को रोज मारता था। फिलहाल पिता यह फरार है